कभी तुम क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। क्या कहा? लेकिन किसके साथ? कोयल के साथ। वो अभी यहाँ कर पेड़ पर बैठ जाएगी। हाँ, रोज आती है वो। कोयल? तुम्हारा मतलब वो गाने वाली चिड़िया? वो गाती है? मैं नहीं जानता, आज तक तो मैंने नहीं सुना है। मैंने तो उसे चने दिए और उसने खा लिया। अब वो रोज आती है, चने खाकर उड़ जाती है। देखो वो आ रही है। हे गोभी, उसे कह रहे हो? हाँ तो? वो तो मुझे कौवा लग रहा है। नहीं, वही तो है वो कोयल, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने किताब में उसकी फोटो देखी थी, वो कोयल ही है। तो फिर वो गा क्यों नहीं रही? मैं नहीं जानता, कभी नहीं गाती है। फिर तो वो कोयल नहीं होगी। हेलो सैंडी। हेलो गोभी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो खेले। हम लोग यहाँ कोयल को देख रहे हैं। कोयल? हाँ देखो, वो वहाँ पेड़ पर बैठी है ना। नहीं, वो तो कौवा है। नहीं, वो कौवा नहीं, कोयल है। मैंने किताब में उसकी फोटो देखी थी। हाँ जरूर देखी होगी, लेकिन कोयल और कौवा दोनों काले रंग के ही होते हैं। शर्त लगा लो, ये तो कौवा ही है। तुम क्या जानो कि ये क्या है? मैं तो इस कोयल को रोज रोज खिलाता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कोयल है। वो देखो, एक और कोयल आ गई है यहाँ। अरे वो भी कौवा है गोभी। चुप रहो, अगर तुम मेरी कोयल के साथ नहीं खेलना चाहते हो तो जाओ। काश वायु यहाँ होता तो वो हमें सच्चाई बता देता। ओ वाकई ये तो कौवे हैं। तुमने सही कहा था बॉबी और सैंडी। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है तुम सबके? वायु वायु, एक बात जानते हो वायु, आज तो कमाल हो गया। अच्छा, ये बात तो शेर की खाल में छिपे गधे वाले की हो गई। गधे वाली बात? किस गधे की वायु? वही गंगो धोबी के गधे वाली। ओ सच में? लेकिन उसने शेर की खाल की पहन ली थी। ओ वायु, प्लीज हमें पूरी कहानी सुनाओ ना। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक दिन एक शिकारी ने शेर की एक खाल खेत में सूखने के लिए रख दी। गंगू का गधा उसी खेत में रोज चरने आता था। और उस दिन भी वो खेत में चरने में मस्त था, तभी उसकी नजर शेर की खाल पर पड़ी। रोज वही होता है, रोज मेरा मालिक मुझे मारता है। मैं तो रोज रोज की पिटाई से तंग आ गया हूँ। काश मैं गधे की जगह कुछ और बन जाता। ये तो खाल है। इसे और करीब जाकर देखता हूं मैं। अरे हेलो, वो भाग क्यों रहा है? आह, बहुत प्यास लगी है। पहले तालाब पर जाकर मैं पेट भर पानी पी लेता हूँ।
मैं तो शेर जैसा दिख रहा हूँ। अच्छा, तो वो खरगोश मुझे शेर समझकर भागा था। बहुत खूब, मैं अब गांव जाऊंगा और देखता हूँ कि गंगू मुझे देखकर क्या करता है। भागो 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 भागो, बचाओ बचाओ, शेर शेर, भागो भागो, बचाओ बचाओ। भागो शेर शेर शेर, पीछे शेर, गांव में शेर। भागो 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 भागो, भागो, गांव वालों बचाओ, शेर शेर शेर, भागो भागो। अरे भागो शेर, भागो शेर शेर, भागो गांव वालों, भागो शेर, बचाओ, भागो भागो शेर। भागो, भागो, मुझे देखकर तो सब डर गए। गंगू की हालत तो देखो, या, या, या। वाह, मैं तो सच में राजा बन गया। मैं तो यहाँ का राजा हूँ। भागो भागो शेर, भागो भागो शेर। ये क्या, या, 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 या। हाँ? ओ, मेरा क्या था? ठहर जा, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। गधे को इतनी अकल आ गई और सारे गांव वालों को डरा दिया और यहाँ हंगामा मचा दिया। लेकिन ये तुम क्यों भूल गए कि रूप भले ही बदल लो पर आवाज निकली तो सारा भेद खुल जाएगा। है ना, इसी तरह कौवा भले ही कोयल के जैसा दिखता हो पर जैसे ही वो काँव काँव करता है उसका भेद खुल जाता है। इस कहानी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी के रूप से कुछ नहीं होता। कभी कभी वो भले ही सच्चाई छिपा दे लेकिन सच तो ये है कि हमें किसी के सिर्फ रूप की नकल नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी खूबियों को भी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। चलो, तुम्हें कहानी पसंद तो आई, अब जाने का वक्त हो गया है।